हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पीजीआई चंडीगढ़ जुलाई सेशन के लिए बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर चुका है। आज 3 तारीख को ये नोटिस आया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसमें बताया गया है कि बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं रजिस्ट्रेशन में एडमिशन लेने के लिए, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि कब तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट जो है उनके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कब आपका एग्जाम होने वाला है। दूसरा हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी अप्लाई करते समय। तीसरा हम देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए। उसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, किस बेस पर आपका एडमिशन पीजीआई चंडीगढ़ में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे बता रखी हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे बताया है कि बीएससी नर्सिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 जून से। ये प्रोस्पेक्टस में इन्होंने 1 जून लिखा है, लेकिन स्टार्ट कब हुए है ये, आज के दिन यानी कि 3 जून 2023 को लिंक एक्टिवेट हुआ है। अगर आपको अभी तक लिंक नहीं मिला तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन क्लोज कब होंगे, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो 30 जून 2023 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड इंट्रेंस टेस्ट कब होने वाला है, तो 4 अगस्त को फ्राइडे के दिन आपका कंप्यूटर बेस्ड इंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसके बेस पर आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा। रिजल्ट कब आएगा उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे दे रखी है कि 12 अगस्त तक आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये 2022 की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 2023। इन्होंने क्या कर रखा है, लास्ट टाइम का जो अपने पास डेट उठा रखी और डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रखी, तो यहाँ पे आएगा अपने पास 12 अगस्त 2023 तक क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्या दे रखी है, 21 अगस्त दे रखी है बीएससी नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम के लिए, और 22 अगस्त दे रखी है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए। तो ये 2022 जो भी है यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2023 करेंगे। गलती से यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, 2022 छोड़ रखा है। एक्सपेक्टेड काउंसलिंग की डेट जो रहेगी वो रहेगी 23 अगस्त वेडनेसडे के दिन। ये सारी की सारी डेट जो है टेंटेटिव है और बदल सकती है, इनको बदलने का अधिकार है पीजीआई के पास, लेकिन उससे पहले पीजीआई क्या करेगा, एक नोटिस देगा, और वो भी कहां पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो कोई भी चेंज अगर इन डेट में होने वाला है तो पीजीआई अपनी वेबसाइट पर नोटिस डाल देगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने की 30 जून रहेगी, एग्जाम कब होगा, तो 4 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको देने होंगे 1200 रुपए, और बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनको देने होंगे 1500 रुपए। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उसको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज डायरेक्ट फ्री में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो फीस डिपॉजिट करने की तारीख है वो क्या रहेगी, 1 से 30 जून ही रहेगी। किस मोड से आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो, और साथ के साथ यूपीआई से अवॉइड करना है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट आपको नहीं करनी, ऐसा यहां पर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके मन में हो सकता है, वो हम देखते हैं
ये कंप्लीट प्रोस्पेक्टस भी आप पढ़ सकते हो, ये कंप्लीट प्रोस्पेक्टस आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। सबसे पहला एक डाउट है जो कि कई बच्चों के मन में कि जो बीएससी नर्सिंग है वो क्या सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स कर सकते हैं। यस, पीजीआई चंडीगढ़ से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। लेकिन बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक जो है, दो साल का जो प्रोग्राम है, वो मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो नंबर ऑफ सीट्स की अगर बीएससी नर्सिंग फोर ईयर प्रोग्राम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 47, एससी कैटेगरी के लिए 14, एसटी के लिए 7 और ओबीसी के लिए 25 सीट्स यहां पर देखने को मिलती हैं। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 5 और टोटल अगर बात करें तो बीएससी नर्सिंग की टोटल सीट कितनी रहेगी, 93 रहेगी। उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग की अगर बात करें तो उसके लिए 22 जनरल सीट है, 7 एससी कैटेगरी के लिए, 4 एसटी के लिए और 14 ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। साथ की साथ पीजीआई स्टाफ के लिए यहाँ पे 15 सीट रहेंगी, जिसमें से जनरल के लिए 9, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 3। वहीं पीडब्ल्यूडी के लिए कितनी रहेगी, अपने पास 3 पोस्ट तीन सीट रहेंगी। तो टोटल पोस्ट बेसिक नर्सिंग की 62 सीट्स यहाँ पे रहने वाली हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, तो ये था सीट्स के बारे में, अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, इसमें यहाँ पे बताया गया है द मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स शैल बी प्लस टू एग्जामिनेशन पास्ड। प्लस टू पास होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ में। और साथ के साथ ये भी बताया कि कम से कम 50% मार्क्स तो उनके होने ही होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया, देखो, कैंडिडेट अपियरिंग इन प्लस टू एग्जामिनेशन इन 2023 कैन आल्सो अप्लाई फॉर द कोर्स बट दे विल बी इशूड एडमिट कार्ड रोल नंबर ओनली इफ दे सबमिट द सर्टिफिकेट मार्कशीट फ्रॉम रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ देयर हैविंग पास्ड प्लस टू एग्जामिनेशन टू द प्रिंसिपल 9-10 डे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। इन्होंने बोला कि जिस भी बच्चे ने, जिस भी कैंडिडेट ने प्लस टू इस साल की है यानी कि 2023 में की है तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक शर्त यहाँ पे दी गई है कि एग्जाम से 10 दिन पहले तक आपको क्या करना पड़ेगा, अपने 12th की जो अपने पास मार्कशीट रहेगी वो आपको सबमिट करनी होगी। कहाँ पर, 9 जो कॉलेज अपने पास, 9 यानी कि नर्सिंग डिपार्टमेंट जो है पीजीआई चंडीगढ़ का, उनके प्रिंसिपल तक आपको पहुंचानी पड़ेगी। कब, 10 दिन पहले तक, एग्जाम से 10 दिन पहले तक आपको सबमिट करना होगा अपना 12th का सर्टिफिकेट। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 25 साल से 25 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ 17 साल से कम भी नहीं होनी चाहिए। काउंट कब तक होगी, 1 सितंबर, 1 सितंबर से पहले पहले यानी कि 1 सितंबर के दिन आप 17 साल से कम उम्र के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और 25 साल से ज्यादा उम्र है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपका जो जन्मदिन है वो 1 सितंबर 2006 से लेकर 1 सितंबर 1998 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, प्लस टू पास होनी चाहिए, उसके साथ साथ जीएनएम का अपने पास कोर्स क्या होना चाहिए जिसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ जो कि अप्रूव्ड है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ में। यानी कि प्लस टू चाहिए, जेएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ के साथ रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट यहाँ पे दी गई है कि 45 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा।
सिलेक्शन प्रोसीजर वो देख लेते हैं एक बार, आई होप यही मेन डाउट रहेंगे आपके। तो सिलेक्शन प्रोसीजर देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट टेस्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर पर आपको ये टेस्ट देना है। कब होगा? 4 अगस्त 2023 को होगा। ड्यूरेशन टाइम कितना रहेगा? तो एक घंटा और 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट्स आपको मिलेगी, 1.5 आवर। तो 90 मिनट आपको मिलेगी, टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का, और एक ही शिफ्ट में ये पेपर करवाया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो ये एग्जामिनेशन सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, अंबाला, हरियाणा, अमृतसर, बठिंडा, बिलासपुर, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, हमीरपुर, जलंधर, कांगड़ा, लुधियाना, पटियाला, शिमला, ये सेंटर रहने वाले हैं, और सोलन हिमाचल प्रदेश, ये भी क्या रहेंगे अपने पास सेंटर रहेंगे, जहां पर आप अपना सेंटर फिल कर सकते हो। तो ये था अपने पास सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। एग्जाम आपका लिया जाएगा, एग्जाम का पैटर्न भी देख लेते। देखो जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25 मार्क्स की। देखो जो अपने पास क्राइटेरिया है बीएससी नर्सिंग का, जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, आपके पास 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, और 100 एमसीक्यू में अलग अलग अगर बात करें तो केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25, बायोलॉजी के 25 और इंग्लिश के 15, उसके साथ साथ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल मार्क्स भी कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। सिलेबस जो रहेगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये किसका रहेगा, +1 और +2 का, ये डायरेक्ट मेंशन है। कई बच्चे मैसेज करके पूछते हैं कि सिर्फ 11th आएगा या सिर्फ 12th आएगा, तो +1 और +2 दोनों क्लास का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। ये यहाँ पे पैटर्न दिया गया है कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं। नेक्स्ट है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में क्या रहेगा पैटर्न, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाइड इन नर्सिंग प्रैक्टिस एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 20, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 15 क्वेश्चन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन के 15 क्वेश्चन, मिड वाइफेरी के लिए 15 रहेंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 15 और जनरल नॉलेज के 10। तो ये अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आने वाला है। ओवरऑल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, और यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा वो जीएनएम के डिप्लोमा के टाइम पे जो आपने डिस्कस कर रखा है, पढ़ रखा है, उसी से ये अपने पास क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये था अपने पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग। तो देखो क्या क्या करना आपको, सबसे पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक भी आपको, टेलीग्राम डिस्कशन करके नीचे लिंक दिया गया है, तो वहां पर आप कोई भी डिस्कशन कर सकते हो। तीसरा, अगर आप स्पेसिफिक पीजीआई चंडीगढ़ के एंट्रेंस के एग्जाम कर रहे हैं तो एक और टेलीग्राम ग्रुप है अपना, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट के, आपके जो भी डाउट हो वो हम क्लियर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही, थैंक यू।